जैसे मुझे पता चला कि मिस्टर शाह की जॉब चली गई है, तो वैसे ही मैं दौड़ते दो अपनी कार में स्पीड फास्ट ड्राइव करके मैं यहाँ आ गई। ना भी आती तो कौन सा प्रलय आ जाती। प्रलय तो आ गई है बा। आपने सुना नहीं, आपके बेटे की जॉब चली गई है। वेरी सैड। एनीवे मैं यहाँ ये न्यूज सुनाने नहीं आई हूँ, मैं तो समधन होने के नाते हमदर्दी जताने आई हूँ। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बट आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। मिस्टर शाह को अफेयर के साथ साथ जॉब का भी एक्सपीरियंस है, उन्हें जॉब जल्दी ही मिल जाएगी, और एक नहीं दो दो मिलेगी। उनकी लाइफ में सब कुछ दो दो है ना। पर क्या है ना, आजकल मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। गॉड फॉरबिड अगर जॉब नहीं मिली तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप है ना परेशान होने की एक्टिंग भी ना करें, वरना आपके फेस के ऊपर रिंकल्स बढ़ जाएगा। और अगर आपकी एक्टिंग खत्म हो गई हो तो जो कहने आई है वो कह दीजिए। और अगर तोशु की अपने कोचिंग क्लास में नौकरी की बात करने आई है ना, तो आओ जो टाटा बाय बाय। बा, जिस बात से मेरी समधन और उसके परिवार को चोट पहुंचती है, वो बात भला मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं यहाँ जॉब ऑफर जरूर लेकर आई हूँ, लेकिन तोशु के लिए नहीं। तो और किसे? मैं यहाँ अपने समधी जी मिस्टर वनराज शाह को जॉब ऑफर करने आई हूँ। जब तक उन्हें दूसरी जॉब नहीं मिलती, वो हमारे कोचिंग सेंटर में जॉब कर सकते हैं। तुम चाहती हो कि तुम्हारे कोचिंग सेंटर का वनराज एमडी बने? बापूजी, आप फिर मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं उन्हें एमडी की नहीं, क्लर्क की जॉब ऑफर करने आई हूँ। इस वक्त हमारे यहाँ सिर्फ क्लर्क की पोजीशन खाली है, और यहाँ से अफ्रीका के जंगल में जाने के लिए विमान में भी एक सीट खाली है। बिठा दूँ? तू सोच भी कैसे सकती है कि मेरा बेटा तेरी कोचिंग क्लास में क्लर्क की नौकरी करेगा। सिंह अगर भूखा भी हो ना तो भी घास नहीं खाता है। आपका शेर तो थेपले खाता है बा, वो भी मुफ्त के। नौकरी तो बची नहीं, मैं यहाँ नौकरी ऑफर करके एहसान कर रही हूँ, और आप मुझ पे ही गुस्सा कर रही हैं। राखी बहन, शायद आपको एहसान और अपमान में फर्क नहीं पता, पर हम ये फर्क अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें जो करना होगा वो कर लेंगे, आपको उनके लिए और हमारे परिवार के लिए चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपका घर खर्च कैसे चलेगा समधन जी? कान्हा जी के सहारे तो पूरा संसार चलता है, ये तो फिर भी एक छोटा सा घर है, चल ही जाएगा। और वैसे भी कल तोसु और किंजल का वो बड़ा वाला सिलेक्शन है। कैंपस सिलेक्शन? हाँ वही। आज एक बुरी खबर मिली है तो कल दो अच्छी खबर मिलेगी। जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक उनके दो बच्चे हैं और उनके बच्चों की माँ भी है। आप कितनी भोली है ना मिस्टर शाह, आपको सचमुच लगता है कि लोग थाली में जॉब परोसकर आपके पति और आपके बच्चों का वेट कर रहे हैं? सीरियसली मिस्टर शाह, आज के जमाने में भगवान का मिलना आसान है, लेकिन जॉब का मिलना नहीं। आसान तो आप जैसी समधन मिलना भी नहीं था, पर आप मिली ना, वैसे ही नौकरी भी मिल जाएगी। इतना भरोसा है अपनी किस्मत पे? किस्मत पर नहीं राखी बहन, कोशिश पर। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो लेट्स सी आपकी कोशिश कितनी कामयाब होती है। ऑल द बेस्ट। चलती हूँ। मॉम, आपके दवे एक्सीलेंसी कोचिंग सेंटर में मेरे लिए जॉब अभी भी अवेलेबल है? एमडी की पोजीशन के लिए? ऑफ कोर्स बेटा, तुम जब चाहो तब आके ज्वाइन कर सकते हो, पर हाँ उससे पहले अपनी फैमिली से डिस्कस जरूर कर लेना, वरना हमेशा की तरह सब मुझे ही ब्लेम करेंगे। एक बार अच्छी तरह से सोच लो पारितोष,
तुम अपना करियर कहां से शुरू करना चाहते हो, नीचे से या फिर टॉप पोजीशन से? थिंक एंड लेट मी नो, ओके बेटा? जी। जय श्री कृष्ण। What was that? तुमने मॉम से एमडी की जॉब के लिए क्यों कहा? हमने डिसाइड किया। हमने नहीं किंजल, सिर्फ तुमने। ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं है तोशु, ये पूरी फैमिली का डिसीजन था। बिकॉज़ सब जानते हैं कि मेरी मॉम कैसी है और ये तुम भी जानते हो। तोशु तुम फिलहाल इस जॉब के लिए काबिल नहीं हो। You have no experience. फिर भी उन्होंने तुम्हें जॉब ऑफर की, क्यों? क्योंकि मैं उनका सन इन लॉ। No baby no. क्योंकि वो हमारे और हमारे फैमिली के बीच में डिफरेंसेस पैदा करना चाहती है। ये उनकी चाल है बेबी, प्लीज प्लीज तोशु, प्लीज डोंट फॉल फॉर इट, प्लीज। हमें उनके फेवर की जरूरत नहीं है तोशु, हम जो भी करेंगे अपने दम पे करेंगे। प्लीज स्टॉप इट किंजल, और तुम मम्मी के साथ रह रहे कि ना बिल्कुल मम्मी की तरह बोलने लग गई। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट से घर नहीं चलता है, घर पैसों से चलता है किंजल। और इस घर में इस समय पापा नहीं है, पापा की जॉब जा चुकी है और मैं ही सिर्फ एक बड़ा लड़का बचा हूं, तो सब कुछ मेरे ऊपर आ जाता है। मेरे घर में माँ है जो अपने काम के साथ साथ जॉब कर रही है, डांस क्लासेस चला रही है, मेरा भाई अभी तक सेटल नहीं हुआ है, मेरी बहन उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है किंजल। बा और बापूजी को कभी भी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली इस समय जब पापा की जॉब नहीं है। Who will be responsible? Me? किंजल बहुत बार ऐसा होता है फैमिलीज में, स्पेशली जॉइंट फैमिलीज में, एक बड़े लड़के के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है और छोटे के ऊपर सिर्फ उसको अपने सपने जीने होते हैं। और मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं किंजल, पर मैं उनसे पीछे नहीं हट सकता। किंजल मुझे अच्छी जॉब चाहिए एट एनी कॉस्ट, और अगर कैंपस सिलेक्शन में मिल गई तो ठीक है, पर अगर नहीं मिली ना, सो आई नो व्हाट आई हैव टू डू। एंड वन मोर थिंग किंजल, मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी मम्मी मेरी सास, और फिर सैड। तुम अपनी जगह सही हो तोशु, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरी मॉम की इंटेंशंस कितनी गलत है? यस मिस्टर ढोलकिया। ओके। क्या कहा मिस्टर ढोलकिया ने? कल मिलने के लिए बुलाया। फॉर व्हाट? बताया तो नहीं, बट ऑब्वियस है। मैंने इतनी कंपनीज में नौकरी के लिए अप्लाई किया है, तो अब मुझे मनाने के लिए बुला रहा हूँ। इतने वैल्यूएबल एम्प्लॉय को इतनी आसानी से कोई नहीं छोड़ता है काव्या। ढोलकिया को अपनी औकात समझ में आ ही गई कि मुझे उनकी नहीं, उन्हें मेरी जरूरत है। वो सब जो भी है वी, जस्ट हैंडल इट विद केयर, ओके? प्लीज मिस्टर ढोलकिया भी कोई कम ईगो वाला नहीं है। अगर वो ढोलकिया है तो मैं भी वनराज शाह हूं। गुड इवनिंग पापा। बेटा इतनी लेट कैसे हो गई? पापा आपको बताया तो था कि स्कूल के बाद रिया के घर जाऊंगी, उसी ने ड्रॉप किया। वैसे प्लीज कोल्ड कॉफी ला दो। बाय द वे मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है। रियली? हाँ
देखने प्रिंसिपल मैडम का मैसेज आया है। वो चाहती है कि मैं इस साल स्कूल फंक्शन के लिए अपने क्लास के बच्चों के साथ कुछ तैयार करूं। वाओ मम्मी, दैट्स सो कूल। मम्मी आपने हाँ कर दी ना? हाँ। आप जो भी परफॉर्मेंस तैयार करोगी वो बेस्ट ही होगी। स्वीटी भी होगी वहाँ पर, वो हर साल स्कूल के इस फंक्शन में हिस्सा जरूर लेती है। इस बार नहीं लूंगी। क्यों? तू पूरा साल अपने एनुअल डे फंक्शन का इंतजार करती है, तो क्यों नहीं लेगी? क्योंकि इस बार मम्मी अपने स्टूडेंट्स के साथ फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और मैं उनके साथ कम्पीट नहीं करना चाहती। वैसे वो डांस के साथ साथ कुछ और भी कर रही है। क्या? केटरिंग। प्रिंसिपल मैडम ने कहा है कि इस बार स्कूल और कॉलेज के जितने भी वो ट्रस्टी आएंगे ना, तो उनके खाने की जिम्मेदारी मुझे दी है। वाह मम्मी, आप तो चौके और छक्के मारे जा रही हो। अब मम्मी देखो, हर जगह से काम आपके पास खुद चल के आ रहा है। तू यू मीन इस बार स्कूल के फंक्शन में VIPs की केटरिंग अनुपमा करेगी? हाँ। तुम्हारी मॉम क्या कर रही है उस पर फोकस करने की बजाय, व्हाई डोंट यू कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू वांट टू डू पाखी? नथिंग, मुझे कुछ नहीं करना। एज इट इज मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मुझे बताओ, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। लीव इट पापा, इशू आपका और मम्मी का डिवोर्स है, और जब तक ये इशू खत्म नहीं होता, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो खत्म नहीं होंगी ना। आई हैव टू फेस इट। डोंट वरी पाखी, जो भी है उसमें तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और लोगों का तो काम होता है बोलना, और वो बोलते रहेंगे, यू जस्ट हैव टू इग्नोर देम। एंड पाखी, तुम्हारे पापा और मैं कहीं भी गलत नहीं है, इसीलिए डोंट हैव टू फील एम्बैरस्ड अबाउट एनीथिंग, ओके? और रही बात तुम्हारे एनुअल फंक्शन की, उसमें आई विल हेल्प यू विद इट। देखना, हम ऐसा एक्ट प्रिपेयर करेंगे ना जो कि बेस्ट होगा। तुम्हारा सोलो एक्ट, वी विल गिव देम अ टफ कंपटीशन। रियली? ऑफ कोर्स, रियली, वी विल रॉक इट। ओके ओके, यस। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल मैडम ने बहुत भरोसा किया है मुझ पर। कान्हा जी, ध्यान रखिए। हाँ नंदिनी, क्या हुआ? नंदिनी बेटा, क्या हुआ? आके खोलो। नंदिनी, मम्मी मम्मी कुछ कुछ हो गया ऐसे। मम्मी मम्मी, आप डॉक्टर को कॉल कीजिए। मम्मी मम्मी, एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए। नंदू नंदू, आके खोलो अपनी। मम्मी बहुत देर हो गया, हमें लेके जाना पड़ेगा इसे। आप चलिए, आप इसको उठाइए। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा नंदू। सामान नंदू, मम्मी प्लीज लेकर चलो नंदू। सामान, एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा नंदू। नंदिनी नंदू, मम्मी देखिए ना। ठीक है बेटा, हाँ तुम ठीक हो? ठीक है, आराम से, आराम से, आराम से रह, आराम से बस। ये ले, क्या हुआ था? शायद आज मैंने खाना नहीं खाया था सुबह, उसकी वजह से फेंट हो गई। अरे पागल छोकरी, मुझसे कहती मैं खाना लेकर आती है यहाँ पर, फटाफट बना देती, ऐसे कैसे? तू बस, मैं कुछ लेकर आती हूँ तेरे लिए। हाँ, तुम पक्का ठीक हो ना? हाँ समर, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आ धीरे धीरे, ये मेरा गले का बल कब जाएगा? अरे घरेलू नुस्खे छोड़ के किसी डॉक्टर को दिखा दे, अब तो तेरी उम्र हो गई। हाँ, और डॉक्टर कोई मेरे फूई का बेटा नहीं है। कितना पैसे लेते हैं आजकल के डॉक्टर? ये घरेलू नुस्खे ठीक है। काश कड़वी जुबान को मीठी करने वाला नुस्खा भी होता। हाँ जी। मम्मी 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 मम्मी, इसके पीछे कुत्ते पड़ गए क्या? अरे, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया? सबसे पहले तो तेरी काबिलियत ने मुझे बता दिया,
और अब तेरी आवाज में जो खुशी है ना उससे बता दिया। मेरा कैंपस सिलेक्शन में एंट्री हो गई मम्मी, आई एम सो एक्साइटेड, फिंगर्स क्रॉस्ड। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। थैंक यू पापू जी। खुश रहो खुश रहो। कांग्रेचुलेशंस मॉम। वाह, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद पैर छू के लिया जाता है। You're so cute, बा। आ मेरी गर्दन। आ नहीं बा, वाह बोलिए वाह। आपकी बहू का कैंपस सिलेक्शन हो गया है, आशीर्वाद दीजिए। बा। अब जब तक मुझे आप आशीर्वाद नहीं देंगी मैं यहीं बैठी रहूंगी। पागल हो गई है क्या? पागल नहीं हूँ बा, सिद्धि हूँ। दीजिए ना आशीर्वाद। हाँ ठीक है ठीक है, खूब आगे बढ़। तोशु का है? खुशी खुशी में पति को भी बुलाई। नहीं बा, तोशु को थोड़ा टाइम लगेगा। भगवान करे वो भी ऐसी खुशखबरी लेकर आए। ऑफ कोर्स बा, तोशु मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, उसका सिलेक्शन तो डेफिनेटली होगा। तो मिसेस किंजल पारितोष शाह, कैसा लग रहा है आपको सिलेक्ट होकर और आगे के क्या प्लान्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी, और अब नेक्स्ट इंटरव्यू होगा किसी अच्छी कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट के साथ, एंड होपफुली प्लेसमेंट भी हो जाएगी। अब घर में एक नहीं तीन तीन लोग कमाएंगे। मैंने मीठा बना के रखा है, अभी लेकर आई। पहले भगवान को भोग धराना। हाँ बा। थैंक यू कान्हा जी, बस मेरे बच्चों पे ऐसी कृपा बनाए रखना, उनके सभी सपने साकार करना और उन्हें ऐसी नौकरी दिलाना कि सब के सब देखते रह जाए। ध्यान रख। नो हार्ड फीलिंग्स मिस्टर शाह, मर्जर के बाद मैनेजमेंट में तो चेंजेस होने ही थे। जिस कंपनी के साथ हमारा मर्जर हुआ है उनकी पॉलिसी रही है कि वो हमेशा न्यू और यंग टैलेंट को चांस देते। न्यू रियली? यस, एंड दैट्स हाउ वी वर्क, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी एंडोर्स। अच्छा तो आप लोग तब कहां थे जब ये कंपनी नई थी और मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था? दिन रात एक किया है मैंने इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने में, और पिछले दो महीने पिछले 27 सालों की मेरी नौकरी पर भारी पड़ गए। अनफॉर्चुनेटली यस, एज आई सेड अर्लियर, बिजनेस में ये नहीं देखा जाता कि आपने क्या किया, देखा ये जाता है कि आप क्या कर रहे हैं और आगे आप क्या कर सकते हैं। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे अंदर अब वो फिज, वो पैशन, वो जज्बा नहीं रहा जो पहले था। यू हैव बीन द बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, बट अब क्या? अब तुम्हारा ध्यान काम में कम और बाकी चीजों पर ज्यादा है। कम टू द पॉइंट मिस्टर ढोलकिया। देखिए, बिजनेस में पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करते, बट यू हैव स्टार्टेड मिक्सिंग इट। I don't want to comment on your personal life, but tumhare personal issues ke karan tumhara focus kaam se hatta ja raha hai. Aur apni hi office mein apni colleague ke sath affair? Mind your own business, Dholakia. I am minding my own business, damn it. Isiliye to hoon yahan par main. Tumhari wajah se hamari company ke business ko effect ho raha hai. Aur isiliye hum tumhe job se hata rahe hain. Effect ho raha hai ya tumse bardasht nahi hua ki main aur Kavya? What do you mean? You know exactly what I mean, Dholakia. Enough. Don't forget that this is an office. मुझे लगा था कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे नौकरी के बारे में बात करने के लिए बुलाया। अगर यही सब बात करनी थी तो मुझे फोन पे बता देते। यहाँ क्यों बुलाया? Anyway, do whatever you want. मुझे ऐसी कंपनी में काम करना ही नहीं है जहाँ पे employees की value ना हो। और इस गलतफहमी में मत रहना कि वनराज शाह के पास नौकरी की कोई कमी है। 10 ऑप्शन आएंगे मेरे पास, 10 ऑप्शन। ये हमारी नहीं तुम्हारी गलतफहमी है वनराज। आजकल हर कोई यंग ब्लड को ही चांस देता है, इवन ऑन हायर पोजीशंस लाइक वी आर डूइंग। This is the new trend. Really? आप लोगों को लगता है कि आप किसी भी नौ सिखिए को मेरी कुर्सी दे देंगे और वो मेरी तरह काम करेगा? वनराज शाह का replacement आप लोगों को इस जन्म में तो मिलने से रहा, no chance. आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही overestimate नहीं कर रहे? जी नहीं, आप मुझे कुछ ज्यादा ही underestimate कर रहे हैं। किसी को भी चाहे आप मेरी कुर्सी पे बिठा दे, लेकिन वो मेरी जगह कभी नहीं ले सकता। Never. मेरी किंजू भाभी जल्दी ऐसी कुर्सी पे ऑफिस में बैठेगी। एक मिनट, ये ले।
इसे अपने फाइल में या तो अपने बैग में अपने पास रखना। ये कान्हा जी का आशीर्वाद है। बहुत जल्द तुझे तेरी काबिलियत की कुर्सी मिलेगी। एकदम बड़े ओहदे की कुर्सी पर तेरा नाम होगा। थैंक यू मम्मी। अरे ब्यूटीफुल, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। आ रही है रुक्मणी, खेलने आपके साथ आंख मिचोली। 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।